हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने अब साफ कर दिया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव नहीं होंगे। इससे तय हो गया है कि ट्रिपल टेस्ट के बाद नए सिरे से ओबीसी आरक्षण तय होगा और उसके बाद ही राज्य में नगरीय निकाय इलेक्शन कराए जाएंगे। ऐसा होने पर बरेली में नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायतों में कुछ जगह चेयरमैन व सभासद पार्षद आरक्षण का गणित बदलने के हालात बन सकते हैं। इस खबर से पिछले आरक्षण में बगैर लड़े ही मैदान से बाहर हुए कितने ही लोगों के चेहरों पर फिलहाल खुशी वापस आ गई है। वहीं ऐसे चुनावी वीर टेंशन में आ गए हैं जो अभी के हिसाब से मैदान में उतरने को आस्तीनें जला चुके थे और अब वे भविष्य की संभावना को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले दिनों जारी आरक्षण के नोटिफिकेशन में बरेली मेयर सीट सामान्य रखी थी। जिले की नगर पालिका और नगर पंचायतों में कोई भी सीट ओबीसी और एससी के लिए रिजर्व नहीं की गई थी। नवाबगंज, आमला और इठौरा को महिला आरक्षित किया गया था। इसी तरह बरेली नगर निगम के 80 वार्डों में से 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे। इनमें वार्ड संख्या 1, 4, 6, 19, 22, 39, 42, 46, 48, 53, 55, 56, 64 एवं 67 नंबर वार्ड को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के दावेदारों को पार्षदी के चुनाव में उतरने का मौका मिलने वाला था। अब सब कुछ नए हिसाब से तय होने जा रहा है। ऐसा ही बरेली की नगर पालिका और नगर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण नई तरह से तय होने की प्रक्रिया अब शुरू होगी। अब आगे ट्रिपल टेस्ट फार्मूला से आरक्षण कैसे तय किया जाएगा, पहले ये जान लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट यानी 3 चरणों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में ओबीसी आरक्षण से पहले नगर निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव गठित आयोग तैयार करेगा। ऐसे ही दूसरे चरणों में सिफारिश के आधार पर निकायों में ओबीसी की संख्या का परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में सरकार सत्यापन कराएगी। आरक्षण फाइनल करने से पहले इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एससी और एसटी के साथ ओबीसी के लिए कुल आरक्षित सीटें किसी भी सूरत में 50% से अधिक न हो। इसी क्रम में निकायों में रैपिड सर्वे जिला प्रशासन की देखरेख में होगा। इसमें निकायों द्वारा वार्डवार ओबीसी की गिनती कराई जाती है। इसके आधार पर ही सीटों का निर्धारण करते हुए आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाता है। जाहिर सी बात है कि ट्रिपल टेस्ट एवं रैपिड सर्वे लंबी प्रक्रिया है और इसे अंतिम रूप देने में सरकार को लंबा समय लग सकता है। इसी वजह से निकाय चुनाव अब जनवरी की जगह अप्रैल मई में संभावित हो सकते हैं। फिलहाल नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनावी दावेदारों को ऊपर अब ट्रिपल टेस्ट की टेंशन साफ दिखाई दे रही है। कोई नहीं समझ पा रहा कि नए फॉर्मूले में आरक्षण का गणित कहां पर किसको मैदान से बिना लड़े ही बार करेगा और किसके लिए भविष्य में चुनावी रास्ते खोलेगा। नगर निगम चुनाव 2022, फिर खड़े होंगे चुनाव में उम्मीदवार। जनता किसके गले में डालेगी जीत का हार, बनेगा हर पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, बताएंगे हर वार्ड का आपको हाल। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड।